नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद भी नया नया मोड़ सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल अभी भी जारी है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की पहली अग्नि परीक्षा आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के रूप में होना है। वही फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस के नेता एन मौके पर डिप्टी सीएम का पद का मांग उठाकर पेच फंसा दिया है। वही एनसीपी के नेता अजित पवार ने भी बीजेपी के सांसद से मुलाकात की है, जिसके कारण राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे का आज बहुमत परीक्षण होगा। यह बहुमत परीक्षण 2 बजे के करीब होगा। प्रोटेम स्पीकर दिलीप पाटिल बहुमत का परीक्षण करवाएंगे। नांदेड़ से बीजेपी के सांसद प्रताप राव ने एनसीपी के नेता अजित पवार से मिलने पहुंचे। उद्धव सरकार द्वारा शनिवार को दोपहर को विधानसभा में बहुमत साबित करने से कुछ ही समय पहले यह मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अजित पवार ने कहा कि यह एक बस मुलाकात थी। राजनीतिक में ऐसी मुलाकात होती रहती है, मुझसे कई पार्टियों के नेता मिलते रहते हैं। आपको बता दें कि उद्धव सरकार के बहुमत साबित करने, नए अध्यक्ष के चुनाव, विरोधी पक्ष के नेता की घोषणा और राज्यपाल के अभिभाषण के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी वाली सत्तारूढ़ की सरकार विकास का दावा की है, उसके पास 170 विधायकों का दावा है। महाराष्ट्र विधानसभा के बहुमत का आंकड़ा 145 का है। शनिवार को दोपहर 2 बजे विधानसभा के सदन में कार्यवाही शुरू होगी। सदन में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का नाम का ऐलान होगा। प्रोटेम स्पीकर के आदेश के बाद शिवसेना की उद्धव ठाकरे सरकार की कैबिनेट में शपथ ले चुके नए मंत्री के पहले परिचय कराया जाएगा। उसके बाद शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का सदन में विश्वास मत रखेंगे। नए प्रोटेम स्पीकर अध्यक्षता में विधानसभा के सदन में शिवसेना सरकार के विश्वास मत पर वोटिंग होगी। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार को विधानसभा के सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा। एनसीपी के वरिष्ठ नेता दिलीप वासले पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष होंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि दिलीप वासले शनिवार को बुलाए गए सदन के विशेष सत्र की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, कांग्रेस को 44 और एनसीपी को 54 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा बहुजन विकास अघाड़ी के खाते में 3 सीटें गई और AIMIM यानी ओवैसी और समाजवादी पार्टी और जनशक्ति पार्टी को 2-2 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं राज्य भर में 13 निर्दलीय उम्मीदवार को चुना गया। वहीं किसी भी पार्टी को सदन में आने के लिए बहुमत साबित करने के लिए कम से कम 145 का जादुई आंकड़ा चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री पद मांगना और अजित पवार को एक बीजेपी के विधायक से मिलना काफी कुछ बताता है। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या ये नया मोड़ है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या फिर से महाराष्ट्र में अजित पवार और बीजेपी की सरकार बनेगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यह मुलाकात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। आने वाले समय में महाराष्ट्र में क्या होगा, यह कहना अभी नामुमकिन है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। और जो दर्शक सीएन न्यूज पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।